पिछले महीने ही फ्रेंड्स व्हाट्सएप ने अपना जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है उसको लॉन्च किया था। उसके थ्रू फ्रेंड्स 8 फरवरी के बाद से व्हाट्सएप अगर आपको यूज़ करना होगा तो आपको जो नोटिफिकेशन आया था उसके एग्री बटन पे क्लिक करना होगा, जिसका मतलब है आपका जो डेटा है वो उसका जो मादर कंपनी से पेरेंट्स कंपनी से फेसबुक उसके साथ वो शेयर कर सकता है। तो इसीलिए किसी थर्ड पार्टी ऐप के पास आपका डेटा शेयरिंग होने की वजह से बहुत सारे लोग व्हाट्सएप को छोड़ने लगे। धीरे धीरे वो दूसरे चैटिंग प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट होने लगे, जैसे टेलीग्राम, सिग्नल, उसी पे। तभी व्हाट्सएप वालों को थोड़ा होश आया कि इस तरह से ट्रैफिक अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे तो उन्होंने क्या लॉजिक लगाई, अपना जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसमें रुकावट ला दी। मतलब कुछ दिनों बाद हम ये लागू करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ समय और दे दिया गया कि हम लोग कुछ दिन आपको और टाइम देते हैं, आप उसके बाद अगर इस पॉलिसी पे एग्री होते हैं तो यूज़ कर पाएंगे व्हाट्सएप को, अगर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप एग्री मत होइए, तो आपका मोबाइल से व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। तो इतना दिन तो ये चल रहा था, हम लोग वेट कर रहे थे कि नेक्स्ट गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है व्हाट्सएप के अगेंस्ट या हम लोगों के भलाई के लिए, कि किस तरह के हम लोगों को चैटिंग प्लेटफॉर्म कुछ प्रोवाइड करेंगे कि नहीं। तो फाइनली वो दिन आ ही गया फ्रेंड्स। अभी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है इंडियन सभी के लिए इंडिया का चैटिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है संदेश। सो फ्रेंड्स, क्या क्या फीचर्स डाले गए हैं संदेश इस एप्लीकेशन पे, क्या ये सच में व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव बन पाएगा हम सब के लिए, तो उसी के बारे में है आज का वीडियो। वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पता नहीं फ्यूचर में हम लोग व्हाट्सएप को छोड़ के सारे संदेश में शिफ्ट हो जाए, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो को देखने से आपका पूरा फीचर्स पता चल जाएगा, संदेश में क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स डाले गए। तो ज़्यादा बात ना करते चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लगभग 10-15 सालों से भी ज़्यादा व्हाट्सएप इंडिया में चल रहा है, तो अभी इंडिया का ये सबसे बड़ा चैटिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो इंडियंस बहुत सारे व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, लगभग 40 करोड़ इंडियंस व्हाट्सएप को डेली लाइफ में यूज़ करते हैं चैटिंग के लिए। तो आप सोच ही सकते होंगे कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अभी व्हाट्सएप बन चुका है तो मेन प्रॉब्लम आता है फेसबुक है इनकी पेरेंट्स कंपनी, तो व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट्स वगैरह आपके या अकाउंट्स डिटेल्स हो गए आपके या और भी बहुत सारे आपके फ़ोन के रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट, वो अगर आपके फ़ोन से व्हाट्सएप फेसबुक की तरफ अगर कुछ सेंड भी करता है तो आपका जो प्राइवेसी में बहुत ही दिक्कत फ्यूचर में आ सकता है। तो इसीलिए मेन इनका जो मतलब है डिटेल्स वगैरह लेके आपका जो एटीट्यूड है आप है वो समझना चाहते हैं, और उसी तरह के एड्स फेसबुक के थ्रू आपको वो दिखाएंगे, आपके ज़रूरत के सामान आपके सामने शो होंगे एडवर्टाइजमेंट पर्पज़ के लिए, अपना बिज़नेस को और भी डेवलप करने के लिए व्हाट्सएप ने ये अपना न्यू प्राइवेसी पॉलिसी लगाया हुआ है। तो इसी के चलते हुए जो दिक्कत आई है, हम लोग सोच रहे हैं अगर व्हाट्सएप का कोई अल्टरनेटिव हम लोगों को मिले तो हम लोगों के लिए फ्यूचर में काफ़ी आसानी रहेगी। तो इसी के चलते बहुत सारे लोग व्हाट्सएप को छोड़ने की सोच रहे हैं। तो इसी टाइम पे फ्रेंड्स इंडियन गवर्नमेंट ने अपना जो चैटिंग प्लेटफॉर्म है इंडिया का ही मेड इन इंडिया का, वो तो आप समझ ही सकते होंगे, हम लोगों को मतलब आत्मनिर्भर ऐप एक बना दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट ने, बहुत ही अच्छी बात है ये। तो हम अपना देसी ऐप अभी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं व्हाट्सएप का देसी वर्शन, जिसको आप आराम से व्हाट्सएप के बदले में यूज़ कर सकते हैं। जो जो फीचर्स इसमें डाला गया है तो व्हाट्सएप के सिमिलरी रखते हुए यूज़ कर सकते हैं आप इस। फ्रेंड्स पिछले कुछ महीनों से ही ये जो संदेश ऐप है इसके ऊपर रिसर्च चल रहा था, तो अल्टीमेटली अभी जिस तरह से इसको लॉन्च किया गया है एप्पल के फ़ोन पे ये आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं, और एंड्रॉयड के लिए हमें थोड़ी इंतज़ार करना होगा कि उस तरह से इसको डेवलप किया जाए कि पब्लिक तो ये हो ही चुका है कि और भी पब्लिक में ये जो ऐप है उसका यूजेस बढ़े। तो आप चाहे तो अपने फ़ोन पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं तभी, और एज ए अल्टरनेटिव आप इसको रखिए, जब ये पूरा आपका कॉन्टैक्ट्स आसपास के लोग सभी धीरे धीरे शिफ्ट करने लगेंगे संदेश ऐप पे, तभी धीरे धीरे आप लोग भी व्हाट्सएप को छोड़ने लगिएगा और संदेश को यूज़ करने लगिएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारे देश की
चैटिंग एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं चैटिंग की। पहले तो गवर्नमेंट ने इसको ऑफिशियली लॉन्च किया, उसके बाद इसको पब्लिक किया गया कि सब लोग धीरे धीरे इसको यूज़ कर पाए। तो फ्रेंड्स, इसमें जो जो फीचर्स है उसकी तरफ चलते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स है जिसको व्हाट्सएप से बहुत ही सिमिलैरिटी से मिलता जुलता है। आप यहाँ पे 1-to-1 ही चैटिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पे ग्रुप में भी चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, ये सब इसमें होता है। कोई भी मीडिया फाइल आप इसमें सेंड कर सकते हैं, वो ऑडियो या वीडियो, जिस तरह से व्हाट्सएप में सब लोग करते थे। व्हाट्सएप में इमोजी जिस तरह से हम लोग सेंड करते थे, वही चीज़ यहाँ पे जीमोजी नाम से है। तो सेम ही फीचर्स, बस नाम उसका अलग हो गया है। और ऊपर से फ्रेंड्स, यहाँ पे एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी है, तो आपका जो टेक्स्ट है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रहता है। तो आप जिसको सेंड कर रहे हैं सिर्फ वही आप उसको पढ़ पाएगा और आप ही उसको देख पाएंगे। बीच में ये कोडिंग की तरह रहेगा जिस तरह से व्हाट्सएप में होता था। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड हुआ है जो कि टैग्स तो व्हाट्सएप में नहीं था, यहाँ पे पहले से ही टैग्स दे दिया गया है। तो आप अपना मैसेज में टैग्स भी लगा सकते हैं उसको अलग पहचान देने के लिए। तो टैग्स का भी आप इसमें भरपूर यूज़ कर भी पाएंगे। और स्पेशल एक फीचर्स इसमें हम लोग अभी देख पा रहे हैं, फ्यूचर में ये और भी अपडेट होता रहेगा तभी व्हाट्सएप को शायद ये मात भी दे दे और भी एक्स्ट्रा न्यू फीचर्स जब आने लगेंगे और भी यूजेस इसके बनने लगेंगे तो बहुत सारे ट्रैफिक हमको लगता है कि व्हाट्सएप के इसमें शिफ्ट होना शुरू कर देंगे। तो आप अभी से इसको चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स, इंडियन गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी की जो टीम है उसने बहुत मेहनत की है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं पब्लिक और इस ऐप को कितना रिस्पॉन्स मिलता है सक्सेस के लिए। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट्स में जाकर ज़रूर लिखना क्या आप व्हाट्सएप को छोड़ के धीरे धीरे अपना जो देसी एप्लीकेशन है संदेश उसमें शिफ्ट करना चाहेंगे या नहीं। आप और भी मुझे लिख सकते हैं नेक्स्ट किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहेंगे, तो उसी तरह के वीडियोस लेके मैं आपके लिए ज़रूर कोशिश करूँगी बनाने के लिए। और फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। अगर किसी को नहीं भी पता अब तक कि संदेश एक इंडियन चैटिंग एप्लीकेशन आ चुका है जिसको आप धीरे धीरे यूज़ कर सकते हैं व्हाट्सएप के बदले, तो उसको जानने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सब लोगों को आप ये नॉलेज दे पाए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है फ्रेंड्स। और आप मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपको मेरे चैनल पर हमेशा मिलती रहती है और आगे भी मिलती रहेगी। इसीलिए रेड लिखा हुआ जो बटन है उसको प्रेस करके क्लिक कर दीजिए ताकि सब्सक्रिप्शन यूट्यूब पर फ्री फीचर से सब्सक्राइब करने से आपका कोई भी पैसा नहीं खर्च होता है। तो आप सबसे पहले मेरे वीडियो का देख पाएंगे और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसका भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैं वहाँ पर डेली अपडेट्स देती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर गाइस। और अभी दो वीडियो को एक को ज़रूर देखना तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और नॉलेज भी उससे आपका और भी गेन होगा। बाय बाय गाइस।